नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में जिला मुख्यालय एवं जनपद के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर मनाया। जनपद मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव महेंद्रनाथ मिश्रा भी उपस्थित रहे। कांग्रेसजनों ने सर्वप्रथम कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया एवं नमन किया। इसके उपरांत कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में सिंह सहित कांग्रेसजनों ने माल्यार्पण किया और रैदोपुर होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में धरना दिया और किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी की सरकार जब से बनी है लगातार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। नए किसान अध्यादेश से किसानों की MSP छिन जाएगी। शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो।